हेलो दोस्तों, वेलकम टेक्निकल इज़रार यूट्यूब चैनल। कोई भी यूट्यूबर अगर यूट्यूब से पैसा कमाता है या कमाना चाहता है तो उसको दो सीमाओं से गुजरना पड़ेगा। पहली जो सीमा है वो है 1000 सब्सक्राइबर, उसको अपने चैनल पे कंप्लीट करने पड़ेंगे। दूसरा, उसको 4000 घंटे का वॉच टाइम कंप्लीट करना पड़ेगा। 4000 घंटे का मतलब होता है 240000 मिनट्स अपने चैनल पे कंप्लीट करनी पड़ेगी। क्या कहा? 240000 मिनट। ये नंबर काफी बड़ा है, पर इतना भी बड़ा नहीं है जो आप इसको कर नहीं सकते। जो भी यूट्यूबर 2017 के बाद में अपने यूट्यूब चैनल को मोनेटाइज कराया है या आज पैसा कमा रहा है, सब इस क्राइटेरिया से, या फिर आप कह सकते हैं 1000 सब्सक्राइबर और 4000 घंटे का वॉच टाइम कंप्लीट करने के बाद ही आज अच्छा खासा पैसा कमा रहे हैं। कुछ टिप्स है, कुछ ट्रिक्स है, आपको बताऊंगा कि कैसे आप इजी तरीके से और वो भी बड़ी जल्दी से आप अपने इस क्राइटेरिया को कैसे कंप्लीट कर सकते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आज आपको एक एप्लीकेशन के बारे में बताने वाला हूं, जिसकी मदद से आप बहुत सारा कैशबैक कमा सकते हो और ये सारा कैशबैक आप अपने बैंक अकाउंट में भी ट्रांसफर कर सकते हो। अगर आप मेरे लिंक से आप इसको साइन अप करते हो तो आपको तुरंत ₹25 आपको कैशबैक मिल जाएगा और ये कैशबैक भी आप अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं। दोस्तों, बात करेंगे यहां पे कैश करो ऐप के बारे में। अगर दोस्तों यहां पे आप कोई भी शॉपिंग करते हो, एग्जांपल के तौर पे बहुत सारी वेबसाइट यहां पे लिंक है, अमेजोन है, फ्लिपकार्ट, अगर फ्लिपकार्ट पे आप जाते हो और किसी भी प्रोडक्ट को आप चूज करते हो तो वहां पे आपको कैशबैक मिल जाएगा। एग्जांपल के तौर पे अगर आप किसी मोबाइल को यहां पे परचेज करना चाहते हो तो आप परचेज आराम से यहां से कर सकते हो और जो आपको कैशबैक है वो आपको तुरंत माई अर्निंग ऐप ऑप्शंस में जाके आप यहां पे देख सकते हो। ये इतना मैंने यहां से कमाया है और मैं इसको अपने बैंक अकाउंट में आराम से ट्रांसफर कर सकता हूं। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप जाइए और साइन अप कीजिए, ₹25 का तुरंत ही यहां पे कैशबैक आपको मिल जाएगा। अब दोस्तों बात करते हैं कि कैसे हम अपने चैनल पे 4000 घंटे का वॉच टाइम कंप्लीट करेंगे। कहने के लिए तो कोई भी यूट्यूबर कह सकता है कि मैं एक दिन में कंप्लीट करा सकता हूं, कोई बोल सकता है कि 10 दिन में कंप्लीट हो जाता है, कोई बोलता है कि मैं आपको यहां पे एक महीने के अंदर कंप्लीट करा सकता हूं। पर दोस्तों हर इंसान जो है ना कुछ झूठ भी बोलता है और कुछ ना कुछ सच भी बोलता है। पर आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको एक राइट और करेक्ट इंफॉर्मेशन दूंगा। अब दोस्तों आपके दिमाग में एक बात जरूर आ रही होगी कि 3 वीडियो से कैसे कंप्लीट कर सकते हैं हम अपने वॉच टाइम को। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल हो सकता है, पर उसके लिए आपको कई सारी चीजें समझनी होगी। पहली चीज, अगर आपके चैनल पे कोई वीडियो है 10 मिनट की, याद रखना 10 मिनट की, और उस पे 10000 वो व्यूज आ गए हैं तो कितने मिनट हुए? 1,00,000 मिनट हो गए। ऐसे में आपके पास दूसरी वीडियो है, ठीक है, उस पे भी वो भी 10 मिनट की वीडियो है और उस पे भी आपके 10000 व्यूज आ गए, तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपके चैनल पे 1,00,000 जो मिनट्स है पहली वाली वीडियो से और दूसरी से भी 1,00,000 मिनट आ चुके हैं। यानी कि कहने का मतलब है 2 वीडियो से 2,00,000 मिनट्स हो चुके हैं। अब आपके चैनल पे ओनली 40000 का जो मिनट्स है उसका टाइम बचा है। अब इसको हम कैसे कंप्लीट करेंगे? एग्जाम्पल के तौर पे आपकी एक वीडियो और है, वो कितने मिनट की है? वो 5 मिनट की है, ठीक है, और उस पे 10000 व्यूज आ चुके हैं, तो ऐसे में उस पे भी कितने हो गए? 50000 मिनट उस पे भी हो गए, तो कुल कितने हो गए? 2,50,000। कहने का मतलब है 3 वीडियो से ही आपका काम हो सकता है। अब दोस्तों ये तो मैंने आपको एक एग्जाम्पल बता दिया है कि इतने सिंपल तरीके से आप कर सकते हो, पर एक्चुअल में ऐसा कैसे होगा, ऐसा कैसा पॉसिबल होगा कि हर बंदा जो 10 मिनट की वीडियोस है वो 10 मिनट तक ही देख के जाएगा, कोई 8 मिनट तक देख के जाएगा, कोई 2 मिनट तक देख के जाएगा, कोई 1 मिनट तक देख के जाएगा। अब इसका एक एग्जांपल बताता हूं। ये बात आज तक किसी ने भी यूट्यूब पे नहीं बताई है, वो बात मैं इस वीडियो में आपको अब बताने वाला हूं। दोस्तों इनिशियल फेज में आपको काफी लंबी यूट्यूबर वीडियोज बनानी है। कहने का मतलब है 8 से 12 मिनट तक की वीडियो इनिशियल फेज में आपको बनानी है और सही तरीके से ज्ञान देना है, जिस तरह से ट्यूटोरियल होता है। एग्जांपल मैं आपको दिखा देता हूं 2-3 चीजों का, जैसे KineMaster एप्लीकेशन का आप ट्यूटोरियल्स दिखाइए, कुछ एडवांस चीजें बताइए, और जब आप ट्यूटोरियल किसी चीज का बनाओगे तो आपकी जो वीडियो होगी वो 15 मिनट से ज्यादा की ही बनेगी, अगर आप कंप्लीट नॉलेज दोगे। ऐसे में दूसरे एडिटिंग टूल है, जैसे आप ट्यूब बड्डी है,
क्यों बर्थडे के ऊपर अगर आप कंप्लीट वीडियो बनाओगे तो आपकी वो वीडियो भी 15 मिनट से ऊपर जाएगी। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप यूट्यूब की कंप्लीट सेटिंग बताओगे, ऐसे में वो वीडियो भी आपकी 15 मिनट से ऊपर जाएगी। अगर आप इनिशियल फेज में 15 से 20 वीडियो ऐसे बनाते हैं जो कि काफी वैल्यूबल है और वो वीडियोस आपकी ट्यूटोरियल में कन्वर्ट है, याद रखिए किसी का भी अगर ट्यूटोरियल बनाएंगे आप तो काफी लंबी वीडियो ऑटोमेटिक बन जाएगी। ऐसे में जो बंदा आपके चैनल पे आएगा, रिक्वायरमेंट होगी उसको, वो आपके चैनल पे आएगा, वीडियोस को ढूंढेगा और अगर आपकी वीडियोस को पसंद आएगी तो एक ट्यूटोरियल तो देख के जाएगा, साथ में और चीजें भी देख के जाएगा और वीडियोस भी देख के जाएगा। इसीलिए मैं कहता हूं कि हर वीडियो के नीचे कम से कम एक दो वीडियो का लिंक होना चाहिए, एंड स्क्रीन भी लगाना चाहिए, आई बटन भी लगाना चाहिए। इससे अगर आपके किसी भी चैनल की वीडियो पे अगर कोई बंदा लैंड करता है तो दूसरी वीडियो पे भी वो चला जाता है और दूसरी वीडियो उसको रेकमेंड में जाती है या फिर सजेशन में जाती है या फिर ब्राउज फीचर में जाती है। तो ये चीज आपको याद रखनी है, सिंपल मेथड है और कुछ नहीं करना। इनिशियल फेस में आपको बड़े साफ सुथरे तरीके से कुछ ट्यूटोरियल्स बनाइए, जिससे सदा बाहर वीडियोस बनाइए जो कि आपकी वीडियो और आपके चैनल के लिए काफी वैल्यूबल हो। उम्मीद करता हूं अगर आप इस ट्रिक का इस्तेमाल करोगे तो आपका चैनल पहले की बजाय अच्छा चलेगा और कंप्लीट नॉलेज आपके चैनल पे मिलेगी, आपकी वैल्यू भी बढ़ेगी, वॉच टाइम भी बढ़ेगा और फिर आप अच्छा खासा पैसा भी कमा सकते हैं और इससे आपके मोनेटाइजेशन में कोई इश्यू नहीं होगा, क्योंकि खुद का कंटेंट आप बना रहे हो, आप ही बोल रहे हो, आप ही एडिटिंग कर रहे हो, तो मोनेटाइजेशन इश्यू में भी कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अगर वाकई में ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करिए, नीचे कमेंट करिए और अगर आपने हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया फॉलो जरूर कर लेना, क्योंकि आपको पता है अर्जेंट इन्फॉर्मेशन के लिए हम वहां पे तुरंत पोस्ट डाल देते हैं। तब हम आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले टाटा बाय बाय, जय हिंद।